पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं छात्राओं ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। रविवार को बजरंग पुनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। पहलवानों ने छात्राओं से दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की है। उधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लुटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में एक एक सिपाही उनके साथ रखा गया था। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वे जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वे यहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। यहाँ रोजाना उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची। यहाँ उन्होंने धरने पर बैठे रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों से बातचीत की। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि पीटी उषा ने बोला है कि वे हमारे साथ खड़ी है और हमें न्याय दिलाएगी। वे पहले एक एथलीट है और फिर कुछ और।